Good morning, UKG class. How are you? I hope so you are fine. So last time we learned all about me. Okay? Last time we learned all about me. Oh, today I am going to teach you lesson 2, our body. ठीक है? Last time हमने क्या पढ़ा था? All about me, यानी अपने बारे में क्या बताना था वो हमने पढ़ा था. तो आपने अपने बारे में क्या इंट्रोड्यूस किया था? What is your name? I am how old are you? What is your name? How old are you? What is your favorite color? What is your favorite food? What is your favorite game? And what is your favorite subject? ठीक है, तो ये आप ऑल अबाउट मी यानी अपने बारे में आपको क्या लाइक है, क्या डिसलाइक है, क्या हॉबीज है, ये आप लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या किया था, रीड किया था और लर्न किया था. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आवर बॉडी यानी अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कौन से बॉडी के पार्ट्स को क्या बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हमारा कौन सा लेसन है? लेसन 2. और ये सब्जेक्ट कौन सा है? ईवीएस. कौन सा है? इन्वायरमेंट. क्या है ये? इन्वायरमेंटल स्टडीज. ठीक है, तो हम इसमें टॉपिक क्या पढ़ेंगे? आवर बॉडी. यानी आवर बॉडी मीन्स हमारा क्या है, बॉडी, या ना हम अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे, हमारा शरीर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन को. हेलो फ्रेंड, डू यू रिमेम्बर यू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स? क्या आपको पता है कि हमारे पास कितना बॉडी पार्ट्स है? ठीक है, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ ईच लेवल टू राइट बॉडी पार्ट्स. तो आपको क्या करना है, ये बॉय का फोटो है और उसमें उसके बॉडी के पार्ट को क्या करना है, मैच करना है. लाइन से ड्रॉ करके क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, आप सभी सभी चिल्ड्रंस को पता होगा, एवरीबॉडी नो What is your name of our body parts? ठीक है, where is your eyes? Where is your hand? Where is your ears? Where is your nose? तो ये सब क्या है, आप लोग को known है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो इसको match करना है. कौन से body part को कहाँ exist होता है उसको क्या करना है, match करना है. अब mouth कहाँ होता है? M-O-U-T-H, mouth. Mouth कहाँ है? तो ये हमारा क्या है, माउथ. तो हमने मैच कर लिया. एच ए एच ई ए डी, हेड. हेड मीन्स क्या होता है, सिर. तो ये हमने मैच कर लिया. उसके बाद क्या है, एन ओ एस ई, नोज. एन ओ एस ई, नोज. हियर इज नोज. एस्टोमैक, एस टी एम ए एस टी ओ एम ए सी एच, एस्टोमैक. एस्टोमैक कहाँ है, यहाँ. तो यहाँ पे हमने मैच किया. आर्म, हैंड क्या है, एच ए एन डी, हैंड. तो ये है हैंड. ठीक है, हैंड मीन्स क्या होता है, हाथ. ए आर एम, आर्म. आर्म मीन्स क्या होता है, बाह. तो यहाँ पे ये हो गया आर्म आपका. चेस्ट, सी एच ई एस टी, चेस्ट. हियर इज योर चेस्ट. फिंगर्स, एफ आई एन जी ई आर एस, फिंगर्स. फिंगर्स कहाँ है, फिंगर्स. तो यहाँ पे है फिंगर्स. लेग, एल ई जी, लेग. तो ये हमारा क्या है, लेग है. उसके बाद क्या है, टोज. टोज क्या बोलते हैं, पैर की उंगली को. तो यहाँ पे लिखेंगे टोज. यहाँ पे मैच कर दिया हमने. फुट कहाँ है, फुट ये है आपका, एफ यू एफ डबल ओ टी, फुट. एफ डबल ओ टी, फुट. नेक कहाँ है, वेयर इज योर नेक, हियर इज योर नेक. N E C K, neck. तो हो गया ये मैचिंग हमारा कंप्लीट. ठीक है, माउथ यहाँ पे मैच किया. हेयर इज योर माउथ. हेड, हेयर इज योर हेड. नोज, हेयर इज योर नोज. ठीक है, स्टोमैक, दिस इज स्टोमैक. चेस्ट, दिस इज चेस्ट. फिंगर्स, दिस इज फिंगर्स. लेग, दिस इज लेग. This is foot and this is toes and this is neck. तो ये हमारा क्या हो गया, मैचिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. हम लोग को राइट बॉडी पार्ट मैच करना था, कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ है उसको हमको क्या करना था, मैच करना था. तो दिस इज कंप्लीटेड. अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट. माई बॉडी हेड.
अब हम जानते हैं अपने बॉडी के अपर साइड के, अपर साइड क्या होता है, ऊपर का साइड, ये हमारा क्या है, ऊपर का साइड है, तो ये हमारे ऊपर के साइड में क्या आता है, ये हेड आता है, तो हेड के अंदर क्या क्या है वो हम नोन करते हैं, वो हम जानते हैं, लर्न करते हैं कि हेड के अंदर क्या क्या आता है हम लोग को, तो ये हमारा क्या है, फेस है, कहाँ तक का, नेक, नेक तक का ये अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट में सबसे पहले क्या आता है, हेयर आता है, तो HAIR हेयर, हेयर मीन्स क्या होता है, बाल, ठीक है, FOREHEAD फोरहेड, फोरहेड मीन्स क्या होता है, ललाट, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, फोरहेड हो गया, EYE आई, आई कहाँ है आपका, दिस इज आई, मैंने तो चश्मा लगा रखा है, ठीक है, आपका आई क्या है, ठीक है, मेरा आई आज चश्मे के नीचे है, तो आई, तो ये आपका आई है, कैसे दिखाओगे यहाँ पे, EYE, स्पेलिंग क्या लिखोगे, EYE, ये क्या है, आईब्रो, जस्ट आई, आईज के ऊपर एक ब्लैक कलर का लाइन होता है, ये क्या है, आईब्रो, EYEBROW, आईब्रो, तो ये हमारा क्या हो गया, आईब्रो, आईब्रो किस कलर का होता है, मैंने इसको रेड कर दिया, ब्लैक कलर का होता है आईब्रो, ठीक है, ये ब्लैक कलर का आईब्रो है, ये क्या है, आईब्रो, ठीक है, ये आईब्रो हो गया, फिर क्या है, ईयर, EAR, ईयर, ईयर मीन्स क्या होता है, कान, तो ये हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी ईयर्स यू वी हैव, तो हमारे पास कितने ईयर्स हैं, देयर आर, वी हैव टू, We have two ears, ठीक है, हम लोग के पास कितने कान हैं, दो, चिक, CHEEK, चिक, चिक means क्या होता है, गाल, ये क्या होता है, चिक means गाल, तो CHEEK, चिक, चिक means गाल, NOSE, nose means क्या होता है, नाक, क्या होता है, नाक, तो यहाँ पे हो गया nose, NOSE, mouth, 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 mouth means क्या होता है, मुंह होता है, ठीक है, ठीक है, chin, CHIN, chin means क्या होता है, ठोड़ी होता है, ठीक है, chin, ये हो गया chin, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जैसा जैसा लिखा है ना उसको एक बार once again इसको फिर से हम लोग write कर देंगे, HAIR hair, HAIR hair, यहाँ पे क्या लिखेंगे, EYEBROW, आईब्रो, EAR ear, EAR ear, CHEK, CHEEK, chick, CHEEK, chick, MOUTH mouth, MOUTH mouth, CHIN chin, आपको भी नोट डाउन करना अपने कॉपी में, CHIN chin, NOSE nose, NOSE nose, EYEI, FORE, HEAD, forehead, तो ये हमने लिखा, आईज क्या होता है, आईज दो होता है, तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे, और ईयर्स भी टू होता है, तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, तो ये आईज हो गया, ईयर्स हो गया, तो हमने क्या किया, बॉडी के अपर पार्ट को क्या किया, नोट डाउन किया, कौन कौन सा अपर पार्ट में होता है, आईज, नोज, ईयर, माउथ, चीक, चिन, हेयर, हेड, हेयर, हेड, हेड भी होता है, एंड फोरहेड, उसके बाद क्या है, माउथ एंड नोज, ठीक है, ये हमारा अपर पार्ट में क्या क्या हो गया, फोरहेड, आईज, ईयर, नोज, माउथ, चीक एंड चिन, दिस इज फोरहेड, ओके, तो ये फोरहेड हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, अपर बॉडी पार्ट यानी फेस में क्या 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 होता है, उसको कैसे लेबल करते हैं, फेस में हमारे कौन कौन सा बॉडी पार्ट है, और उस बॉडी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमको नोन हो गया, ये हम जान गए, तो अब आते हैं नेक्स्ट, अब इसको क्या करना है, अब फिर से इसको
हम लोग को लेबल करना है, लेबल द डिफरेंट पार्ट्स आवर बॉडी, आवर बॉडी यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे क्या है, हम लोगों को क्या किया है, बॉडी पार्ट्स का नेम दिया हुआ है और हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ है उसको हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये हेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे हेड है, ये क्या है, हेड है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एच ई ए डी, हेड, ये क्या हो गया, हेड। और ये क्या है, हेयर है, अपर पार्ट है इसका, एच ए आई आर, हेयर, ठीक है। और जो जो हमारा कंप्लीट होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। हेड कंप्लीट हो गया और हेयर कंप्लीट हो गया, क्रॉस कर दिए। उसके बाद क्या है, ये हमारा क्या है, आईब्रो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई वाई ई बी आर ओ डब्लू, आईब्रो हो गया, तो हम आईब्रो को क्रॉस कर देंगे। फिर क्या है हमारा, ये क्या है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आईलिड, यानी आपके जो पलके है ना, ये आईलिड क्या होता है, जो आपकी आपका जो आईज जो ढकता है ना, जिससे अपर वाला, जिससे आपकी आईज जो है वो कवर हो जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आईलिड कहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, आईलिड, आईलिड, ठीक है। आईलिड किसको बोलेंगे, देखो ये आईज के ऊपर जो कवर होता है ना, ये जिसपे हम लोग का, ठीक है, ये पे आई, जो आपका ये जो आई जिसपे हेयर्स होते हैं आईलिड के ऊपर, तो ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आईलिड, जो हेयर को कवर करता है, सॉरी जो आईज को कवर करता है, मिस्टेक हो गया, जो आईज को कवर करता है ना, उसका जो अपर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, आईलिड, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा, ये क्या है, ईयर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर, ई ए आर एस, ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स को सर्च करो तो कहाँ है, यहाँ पे एक ही लिखा है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आईज है, ये क्या है, आईज, ई वाई ई एस, आईज हो गया। अब आईज देखो सर्च करो कहाँ लिखा हुआ है, आईज, तो इसको क्रॉस कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, ये लिप है, एल आई पी, लिप्स, तो लिप्स जो है, लिप्स जो है वो क्या होगा आपका, यहाँ पे लिप्स है, यहाँ पे ये जो है अपर पार्ट जिसको हम लोग लिप बोलते हैं, ये क्या है, माउथ के ऊपर जो होता है इसको लिप बोलते हैं, जिसपे हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लिप, लिप्स। तो यहाँ पे ये अपर पार्ट हुआ, एक लोअर पार्ट हुआ, तो दो दो लिप्स होता है जो ज्वाइंट होके हमारा क्या बनता है, माउथ होता है, तो ये क्या हुआ, लिप्स हो गया, तो लिप्स को क्रॉस करेंगे। फिर क्या हमारा है, टंग, तो टंग क्या है, वन होता है, तो टंग को, टंग लिखेंगे, टी ओ एन जी यू ई, ये हो गया हमारा टंग, तो टंग को कहाँ लिखा है, इसको क्रॉस कर दिया हमने। अब क्या है हमारे पास, टीथ, ये क्या है, ये टीथ मीन्स क्या होता है, दांत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी डबल ई टी एच, टीथ, ये क्या हो गया, टीथ हो गया। अब देखो टीथ कहाँ लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर दो, राइट करो, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, लेबल्ड हो गया सारा, नहीं यहाँ पे एक बच गया, यहाँ पे क्या है, फोरहेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ओ आर ई एच ई ए डी, फोरहेड। तो ये हमारा क्या हो गया, जो अपर पार्ट होता है हमारे बॉडी का, यानी फेस, फेस के अंदर क्या क्या होता है, ये हमने क्या किया, लेबल कर लिया और लर्न भी कर लिया। लर्न कैसे करेंगे, एच ई ए डी हेड, एफ ओ आर ई एच ई ए डी फोर हेड, आईब्रो, ई वाई ई बी आर ओ डब्ल्यू आईब्रो, ई वाई ई एस आईज, एल आई पी एस लिप्स, टी ओ एन जी यू टंग, टी डबल ई टी एच टीथ, ई ए आर एस ईयर्स, ई वाई ई एल आई डी आईलिड, एच ए आई आर हेयर। तो हमारा क्या हो गया, सारा जो है लेबल्ड हो गया और हमने सबको क्रॉस कर दिया, तो हमारा सारा जो ये फिगर में है क्या, हमने उसको राइट कर लिया, किसका, बॉडी पार्ट को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर से बॉडी पार्ट में आईब्रो, हम ऑलरेडी आईब्रो पढ़ चुके हैं, जो आईज के ऊपर होता है ये क्या है, आईब्रो होता है, आई ई वाई बी आर ओ डब्ल्यू आईब्रो, ई वाई ई
आईज, आईज, फिर क्या है ईयर्स, फिर क्या है फोरहेड, एन ओ एस ई नोज, एम ओ यू टी एच माउथ, सी एच ई एस टी चेस्ट, ए आर एम आर्म, एच ए एन डी हैंड, एल ई जी लेग, के डबल के एन ई डबल ई नी, नी मीन्स क्या होता है घुटना, ये एफ डबल ओ टी फुट, फुट मीन्स क्या होता है तलवा, एंड एस्टोमेक मीन्स क्या होता है पेट, एस टी ओ एस टी ओ एम ए सी एच एस्टोमेक मीन्स पेट, एम ओ यू टी एच माउथ मीन्स मुंह होता है, फोरहेड मीन्स ललाट होता है हिंदी में उसको बोलते हैं, एफ ओ आर ई एच ई ए डी फोरहेड। तो ये हमारा फिर बॉडी का पार्ट हमने क्या किया रीड कर लिया। इतनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोग को ऑलरेडी ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी के कितने पार्ट्स हैं ये तो हम क्या वो अभी नोन, अभी नोन कर रहे हैं यानी लर्न कर रहे हैं। तो पहले हमने अपर पार्ट को पढ़ लिया, कौन कौन सा होता है, आईज होता है, ईयर्स होता है, नोज होता है, और क्या होता है माउथ होता है, लिप होता है, आईज होता है, आईज के ऊपर जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं आई लीड कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं आईब्रो, ये क्या होता है जस्ट ऊपर चश्मा के मेरे ऊपर, आप क्या चश्मा नहीं पहनते हो ना, मेरे चश्मा है तो मेरे चश्मे के ऊपर क्या है फोरहेड है ना। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का होता है जो हेड के ऊपर होता है, ये लंबे लंबे आपके छोटे छोटे होते होंगे, मेरे लंबे लंबे हैं, तो ये क्या है हेयर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया अपर पार्ट, ठीक है। जो फेस में पार्ट होता है वो हमने लेबल कर लिया, अब क्या करते हैं अब पूरे होल पार्ट को लेबल करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या करना हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी पार्ट का नेम दिया हुआ है, आपको क्या करना है इसको फील करना है इस बॉक्स में, जहां जहां पे हम लोग का जो पार्ट जिसको बोलते हैं उसी को क्या करना है यहाँ पे फील करना है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये देखो क्या है ये, इसको क्या बोलते हैं हु इज दिस, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको आईज, ई वाई ई एस आईज। अब आईज कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। जो आप इसको राइट करोगे उसको क्या करोगे वहां पे लेबल जो बॉक्स में दिया हुआ है उस वर्ड को क्रॉस कर देना है, ठीक है। हमने नेक्स्ट क्या है, ये क्या है ईयर, ये क्या है ईयर, तो क्या लिखेंगे ई ए आर एस ईयर्स। अब ईयर्स कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है ये माउथ है, एम ओ यू टी एच माउथ, तो माउथ को क्या करेंगे यहां से क्रॉस कर देंगे। हमने राइट कर लिया, फील कर लिया, अब थोड़ा कलर चेंज करके कर लेते हैं, ठीक है। एक ही कलर ब्लैक करते करते बोर हो गए, अब दूसरा कलर यूज करते हैं। अब ये क्या है यहाँ पे, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज कॉल दिस बॉडी पार्ट इज, बॉडी पार्ट इज इसको क्या बोलेंगे, ये बॉडी पार्ट में इसको क्या बोलते हैं नोज, एन ओ एस ई नोज। नोज कहाँ पे राइट है यहाँ पे, इसको क्रॉस किए, क्रॉस इट, एंड नेक्स्ट अब येलो कलर आते हैं। अब हम क्या इसको फील करेंगे, ये क्या है यहाँ पे, ये हैंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच ए एन डी एस हैंड्स, क्योंकि हैंड्स वन क्या है वन और टू, जब टू होता है तो क्या होता है प्लूरल हो जाता है, तो उसमें क्या हम ऐड करते हैं एस को ऐड करते हैं, तो ये हैंड्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब इसको ग्रीन कलर कर लेते हैं। अब देखते हैं और क्या बचा इनका, ये है आर्म, यानी आर्म है कहीं पे यहाँ पे, इसको क्रॉस करो, यहाँ पे लिखो ए ए आर एम, ठीक है आर्म, तो यहाँ पे हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद हैंड को भी क्रॉस कर लिया। उसके बाद हम लोग को अब टू ही लेबल्ड करना है, कौन कौन सा, ये देखो ये क्या है, ये होल पार्ट को क्या बोलेंगे लेग, एल ई जी एस लेग्स हो गया क्योंकि वन और टू है। और ये हमारा क्या है, ये जो तलवा होता है उसको क्या बोलते हैं फुट, एफ डबल ओ टी एट फुट्स, तो यहाँ पे हमने लेग्स को फील कर दिया और फुट्स को फील कर दिया। ये हमारा क्या हो गया जो है बॉडी पार्ट क्या हो गया लेबल्ड हो गया, वर्कशीट कंप्लीट हो गया। अब लेट्स गो नेक्स्ट स्लाइड, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमको क्या क्या और नेक्स्ट पढ़ना है। ये हमने अपर जस्ट अपर साइड पढ़ा था ना, अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था हमने,
फेस के बारे में, जो अपना बॉडी पार्ट होता है उसके अपर साइड को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं ना, अपर साइड क्या हुआ ना, सबसे ऊपर क्या आता है, ये आता है ऊपर। तो इस फेस के अंदर क्या क्या होता है ये अभी हम जस्ट हमने इसके प्रीवियस स्लाइड में रीड कर लिया था, फिर से एक बार और रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये आई लीड है, जो आई के ऊपर जो कवर करता है, जिसमें जिसमें है आपका क्या होता है, लीड होता है, हेयर निकला होता है छोटे छोटे, जिसको आपका प्रोटेक्शन करता है। वो आई का क्या करता है, वो उसका यूज क्या है, वो आपके आई को प्रोटेक्ट करता है। जो भी आपके धूल मिट्टी जो होते हैं ना, वो आईज में क्या होता है, एंटर नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जो आई लीड होता है ना, उसी के ऊपर आके वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो आईज क्या है, आईज क्या होता है, आईज हमारा बॉडी पार्ट में क्या है, सेंस सेंस ऑर्गेन्स है। कौन कौन से सेंस ऑर्गेन्स है, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड कराएंगे, पहले आप बॉडी पार्ट रीड करो। सेंस ऑर्गेन्स होता है आईज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोरहेड है। फोरहेड क्या है, ये आपके जो आईब्रो के जस्ट ऊपर होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोरहेड। स्पेलिंग पढ़ो, FOREHEAD, फोरहेड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं ललाट। उसके बाद क्या होता है, आईलेस, जो इसमें हेयर होते हैं आई लीड के ऊपर जो हेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, आईलेस। क्या बोलते हैं, आईलेस, जिसपे आप लोग की सिस्टर या मम्मी लोग क्या बोल लगाते हैं, उस पर मस्करा लगाते हैं। ठीक है, वो जो आपका वो होता है कॉस्मेटिक में यूज होता है, तो वो किस पे यूज होता है, आईलेस पे, EYELASH, आईलेस। ठीक है, ये आपका क्या है, ईयर, कितने ईयर्स है, हाउ मेनी ईयर्स यू हैव, आई हैव 2 ईयर्स। ठीक है, हम लोग के कितने ईयर्स है, 2 ईयर्स। किसी के पास 3 है क्या, है 3 नहीं है, तो ये है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे क्योंकि 2 होता है, फिर आईज भी 2 होता है, तो यहाँ पे आईज को क्या लिखेंगे, EYES, आईज हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, माउथ के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, नोज, ये भी क्या है, सेंस ऑर्गेन्स है। क्या है, सेंस ऑर्गेन्स, NOSE, नोज। नोज से हम लोग क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। नोज से क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। आई से हम लोग क्या करते हैं, वॉच करते हैं। क्या करते हैं, वॉच करते हैं, यानी देखते हैं। ठीक है, नोज से हम लोग स्मेल करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है MOTHU, माउथ। माउथ, अगर माउथ ना हो तो आपके पास तो क्या होगा, कुछ खा पाओगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, माउथ। क्या है बॉडी पार्ट्स का नेम, क्या है इसका, MOUTH, माउथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, माउथ। फिर नेक्स्ट क्या है, व्हाइट कलर का होता है माउथ के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, तित, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दांत। ठीक है, तो तित की स्पेलिंग क्या होगी, TEETH, तित। ठीक है, और फिर तिथ और माउथ के अंदर एक रेड कलर का जो होता है, जिसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टंग। टंग क्या है, टंग इज आल्सो अ सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, टंग क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होता है। उससे क्या होता है, हमें टेस्ट पता चलता है। क्या पता चलता है, टेस्ट। किससे पता चलता है, टंग से। तो टंग की स्पेलिंग क्या होती है, TONGUE, टंग। ठीक है, तो ये हमारे जितना भी अपर पार्ट है बॉडी का, यानी फेस, फेस के अंदर जो आपका बॉडी पार्ट का नेम होता है, ये हमने लेबल कर लिया। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है स्पेलिंग को। ठीक है, FOREHEAD, फोर हेड, EARS, ears, EYELIED, eyelid, EYELASH, eyeless, EYES, eyes, NOSE, 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 फिर क्या इधर, MOUTH, 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 TEETH, 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 and TONGUE, tongue। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, फिर इसमें आपने हेयर मिसिंग है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिर से लेबल यहाँ पे किया गया है HAIR, हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है, बाल। हेयर मीन्स क्या होता है, बाल। हेयर मीन्स बाल, और हेयर के नीचे जो आपका होता है, जो आपके सिर के ऊपर जो कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्कल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
स्कैल्प। तो ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SCALP, स्कैल्प। ठीक है, स्कैल्प बोलते हैं इसको। टर्सो मीन्स होता है ऑल बॉडी पार्ट, यानी नेक से लेके आपका लेग तक की जो बॉडी पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, टर्सो। ठीक है, यहाँ पे आप फर्स्ट में क्या आएगा, नेक में। नेक में हम लोग नेक से स्टार्ट करते हैं, नेक से स्टार्ट करके आपके फुट तक का बॉडी पार्ट आएगा उसको क्या बोलते हैं, टॉर्सो। क्या बोलेंगे, टॉर्सो। तो फर्स्ट में क्या आएगा, नेक, NECK, नेक। नेक मीन्स क्या होता है, यहाँ पे है नेक, नेक। नेक से क्या होता है, नेक क्या यूज में है, जो आपकी वॉइस होती है ना वो यहीं से आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आप स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण अभी जस्ट हिंदी में पढ़ा था, जो आवाज निकलती है वो कहाँ से आती है, नेक से। ठीक है, आगे जब आप लोग अपर क्लास में जाओगे ना तो इसको डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग किस क्लास में है, UKG में, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग रीड करते हैं। फिर क्या है, नेक, एंड नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, गर्दन। फिर CHEST, चेस्ट। चेस्ट जस्ट गर्दन के नीचे होता है, चेस्ट। ठीक है, CHEST, चेस्ट, ये क्या है, चेस्ट। फिर क्या है, WAIST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स क्या होता है, कमर। वेस्ट मीन्स कमर, WAIST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स कमर। ठीक है, एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स क्या होता है, आपके जो पेट का पार्ट है ना, अपर पार्ट। पेट का एक आप ऊपर स्टार्ट होता है, जो आपको क्या कहते हैं, जस्ट आपका चेस्ट है जस्ट उसके नीचे, और नीचे तक रहता है, तो उसके होल पार्ट को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एब्डोमेन के स्पेलिंग रीड करते हैं, ABDOMEN। यहाँ पे राइट करते हैं ABDOMEN, एब्डोमेन। एब्डोमेन मीन्स क्या होता है, पेट। आप देखते हैं हैंड पोर्शन, ये हमने कहाँ तक पढ़ा, आपके ये नेक से लेके एब्डोमेन तक का हमने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ते हैं, हैंड का पार्ट। अब हैंड्स के अंदर क्या क्या होता है उसको रीड करते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, हैंड्स में फिंगर्स होता है, जैसे हम लोग जिसे राइट करते हैं, ये थंब हो गया, ये सब क्या है, फिंगर्स है। कितने फिंगर्स है, हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव, कितने हैं आपके हैंड्स में, हैंड्स में कितने फिंगर्स है, 10 फिंगर्स। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इससे हम प्लस एडिशन और आपका सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, माइनस प्लस करते हैं अपने उंगलियों से, तो ये यूज होता है। ठीक है, वर्क किसी से होता है, आप कोई भी वर्क करते हो तो अपने हैंड के विथ करते हो, अपने हैंड के द्वारा करते हो, तो ये क्या है, हैंड की स्पेलिंग क्या होती है, HAND, हैंड। क्या लिखेंगे, HAND, हैंड। ये हैंड हो गया। अब हैंड के अंदर, ये पूरा हैंड है, उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है, उसको क्या क्या बोलते हैं, ये हम लर्न करते हैं। उसके बाद सबसे पहले क्या आ गया, ये फिंगर। फिंगर की स्पेलिंग क्या होती है, FINGERS, फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। कितने फिंगर्स है, हाउ मैनी, 10 फिंगर्स यू हैव, ओके। फिंगर नेल, अब आपका जो नेल होता है फिंगर्स के अंदर, फिंगर्स के ऊपर जैसे अपर पार्ट पे क्या होता है, नेल होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेल्स। तो NAILS, नेल्स हो गया, क्योंकि नेल जो है ज्यादा है ना, 5 से 10 नेल्स है, जितना भी फिंगर्स उसके अपर में नेल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पाम, PALM, पाम। ये जो पाम है ये इसको क्या बोलते हैं, हथेली। ये जो आपका आता है पूरा मिला के, जिसपे आपका फिंगर स्टे रहता है, ठीक है, कंबाइंड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, पाम। पाम मीन्स क्या होता है, हथेली। उसके बाद क्या आता है, थंब। ये फिंगर्स हो गया। अब इसका जो सबसे छोटा पार्ट है यहाँ पे, ये किसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थंब। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे थंबनेल करते हो ना, ये क्या बोलते हैं इसको, थंब। तो थंब की स्पेलिंग क्या होती है, THUMB, ठीक है, थंब। सबको नोट डाउन करना अपने कॉपी में, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को अपनी कॉपी में क्या करना है, सारे बॉडी पार्ट का नेम को क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, THUMB, थंब हो गया। उसके बाद आते हैं हम लेग पे, ये हमने हैंड्स के पार्ट्स को रीड कर लिया।
अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेग्स के पार्ट को रीड करेंगे। अब यहाँ से लेग्स का स्टार्ट होता है, तो लेग्स पार्ट को रीड करते हैं। लेग्स के अंदर अब क्या क्या आते हैं, कौन कौन से लेग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले तो लेग बोलते हैं, पूरे जहाँ से स्टार्ट होता है आपके थाइस से लेके फुट तक को क्या बोलेंगे हम, उसको लेग बोलेंगे। लेग मीन्स क्या होता है, पैर। उसके बाद यहाँ जो आपका ज्वाइंट होता है लेग, जो थाई है और जो आपका फुट है, वो कहाँ ज्वाइन होता है, नी पे। तो इसको क्या बोलेंगे, नी। जो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक को ये ज्वाइन करता है, इससे जुड़ा होता है, जहाँ से हम इसको क्या करते हैं, नी के द्वारा ही हम इसको टर्न करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो आप भी जब देखो कि अगर नी नहीं होता तो क्या आपका जो है लेग है वो क्या फोल्ड हो पाता, नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या है, इस यहाँ ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, नी, के एन डबल ई, नी हो गया। इसका के साइलेंट हो होता है तो के नहीं इसको रीड करते हैं, क्या रीड करते हैं, नी करते हैं। इसका के को हम रीड नहीं करते, सिर्फ एन डबल ई को क्या करते हैं, नी, नी पढ़ते हैं, कैनी नहीं पढ़ते, कैनी नहीं रीड किया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो के है, आप इंग्लिश में पढ़ोगे के क्या है, इसमें साइलेंट होता है। जैसे कि नो, के एन ओ डब्लू, हम उसको क्या पढ़ते हैं, कैनो पढ़ते हैं क्या, नहीं, कैनो रीड नहीं करते, क्या करते हैं, नो रीड करते हैं। उसी तरह से नी को क्या रीड करेंगे, यहाँ पे के साइलेंट रहेगा, सिर्फ ओनली नी रीड करेंगे, नी। उसके बाद क्या है नेक्स्ट में आपका फुट, फुट पार्ट में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जो होता है फुट पार्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे आपके फुट में, तो एक पहले आता है एंकल, जहाँ पे आपका जो ये पार्ट है नी से लोअर पार्ट है ये, और ये जो फुट का पार्ट है यहाँ पे जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, एंकल। क्या बोलते हैं, एंकल। एंकल की स्पेलिंग लिखिए, राइट, ए एन के एल ई, एंकल। उसके बाद क्या होता है, टो, टी ओ ई, टो। टो जैसे कि पाम में जो फिंगर होता है, जो हैंड्स में फिंगर होता है उसको तो फिंगर्स बोलते हैं, बट जो लेग में फुट में फिंगर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टो बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है, जो आपका लोअर साइड होता है फुट का, पीछे का साइड होता है, बैक साइड, इसको क्या बोलते हैं, हिल, एच ई एच डबल ई एल, हिल। तो हमने सबसे पहले फेस पार्ट को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, नेक से लेके एब्डोमेन तक का पार्ट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, हैंड पार्ट को पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, फुट के पार्ट को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आर्म के पार्ट को पढ़ेंगे। क्या चीज़ के, आर्म के पार्ट को। आर्म के पार्ट में यानी कि आपके हैंड्स में कौन कौन सा पार्ट है, यानी आपके बाजू में कौन कौन सा पार्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शोल्डर, सबसे पहले जहाँ से नेक है, नेक है और यहाँ से आपका जो बॉडी पार्ट जुड़ता है, ये हैंड जहाँ पे जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, शोल्डर। शोल्डर मीन्स क्या होता है, कंधा, ठीक है। उसके बाद है अपर आर्म, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ऊपर के, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आर्म होता है, इसमें जो ऊपर पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर पार्ट, यू डबल पी ई आर, अपर ए आर ए एम, आर्म, अपर आर्म। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे भी ज्वाइंट, जैसे पैर, नी आपके लेग्स में ज्वाइंट है, उसको क्या बोलते हैं, नी। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्बो। क्या बोलते हैं, एल्बो मीन्स क्या होता है, केहूनी, ठीक है। ये हो गया एल्बो। फिर क्या है, फोर आर्म, जो नीचे का पार्ट होता है ये, यहाँ से जो एल्बो से और यहाँ तक का जो टर्न होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पार्ट को बोलते हैं फोर आर्म। इसको क्या बोलते हैं, फोर आर्म। क्या बोलते हैं, फोर आर्म, एफ ओ आर ई ए आर एम, फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, रिस्ट। क्या होता है ये, रिस्ट। क्या होता है ये, रिस्ट, यानी मीन्स कलाई, डब्लू डब्लू आर आई एस टी, रिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा अब इसमें क्या हो गया, अब हम बैक पार्ट को यानी पीछे के पीठ के पार्ट को क्या बोलते हैं, बैक, और इसके उसके नीचे हिप को क्या बोलते हैं, एच आई पी, हिप, और इसको क्या बोलते हैं,
बटक, ठीक है। और जो हेयर के नीचे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी, उसको क्या बोलते हैं? स्कल्प। क्या बोलते हैं? स्कल्प। तो ये हमारा टॉर्सो पार्ट कंप्लीट हो गया, बॉडी पार्ट। यहाँ पे हमने फेस को रीड किया, फिर यहाँ पे हमने आपके नेक से एब्डोमेन तक का रीड किया, फिर हैंड्स को रीड किया, फिर आर्म्स को रीड किया, फिर हमने लेग्स को रीड किया। तो हमारा ये बॉडी पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब कुछ एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं। मैच द पिक्चर विथ द वर्ड। हम लोग को क्या करना है? पिक्चर को पहले क्या करना है? वॉच करना है, उसके बाद वर्ड्स को रीड करना है, फिर आफ्टर मैच कर देना है, ठीक है। A R M arm, L E G leg, T O E S toes, H E A D head, K N double E knee, F double O T foot, H A N D hand, F I N G E R S fingers. Now start A R M arm. यहाँ पे क्या हो गया? Arm match and next क्या है? Leg, L E G leg. फिर क्या है? टोज, टी ओ ई एस टोज। उसके बाद क्या है? हेड, एच ई ए डी हेड। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? नी, के एन डबल ई नी। अब नी कहाँ है? वेयर इज नी? हेयर इज नी, ठीक है। नी यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे लेग है, यहाँ पे लेग का साइन यहाँ तक जाएगा, लेग हो गया, और ये हो गया नी। यहाँ पे ये नी है, तो ये नी हो गया। फुट, फुट, वेयर इज फुट? एफ ओ डबल ए टी फुट, फुट। यहाँ पे ये क्या हो गया? फुट। यहाँ पे हो गया ये फुट। अब उसके बाद क्या आएंगे? फिंगर्स, वेयर इज फिंगर्स? ये क्या है? फिंगर्स। यहाँ पे मिस्टेक से हमने क्या किया है? यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ इसको लेग जो है ये मिस्टेक है। लेग को क्या करते हैं? पहले फोटो वॉच। यहाँ पे जो लेग है वो कहाँ है? ये रहा, ये लेग है, और ये क्या है? नी है। वन सेकेंड हम इसको मैच करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रहा है बार बार। नाउ इरेज इट, देन आफ्टर डू। नाउ पहले हम क्या करते हैं? हेड कहाँ मैच किए थे? ये हेड हो गया, ये आपका लेग यहाँ पे है, ये मुझे दिखा नहीं था, ये लेग हो गया, फिर ये आपका टो हो गया, ठीक है, और ये नी हो गया यहाँ पे, उसके बाद ये फुट हो गया, ठीक है, उसके बाद हैंड हो गया, ये हैंड, और फिर फिंगर्स, ये आपका फिंगर हो गया, और ये आर्म के बाद ये जो हैंड है ये कहाँ आ गया? हैंड यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया? मेरा जो है और पिक्चर क्या करना है? वर्ड से मैच हो गया, फिनिश हो गया। नाउ डू एवरीबॉडी इन कॉपी। नाउ स्टार्ट योर ट्रेसिंग बॉडी पार्ट नेम। नेम पहले अपना नेम मेंशन करो। व्हाट इज योर नेम? राइट योर नेम फर्स्ट, ठीक है। अपना नेम लिखना है, फिर माय बॉडी पार्ट्स लिखना है। ट्रेसिंग बॉडी पार्ट्स नेम, हम लोग को क्या करना है? बॉडी पार्ट का जो नेम है उसको ट्रेस करना है, ठीक है। स्पेलिंग जो है वो लर्न भी हो जाए, और पहले क्या करना है? ट्रेस करना है। तो पहले क्या करेंगे? ई, ई वाई ई, जो डॉट्स है इसको मैच करना है, और फिर उसको राइट करना है, देन राइट इट। तो फिर क्या हुआ? आईज। नाउ स्टार्ट, नेक्स्ट इज ये क्या है? नोज, एन ओ एस ई, एन ओ एस ई, नोज। नाउ नेक्स्ट ये है टंग,
T-O-N-G-U-E, टंग. E-A-R-S, ears. Hands, H-A-N-D-S, hands. Complete. ये हमारा body part क्या हुआ? Complete हो गया. तो next. फिर once again repeat. स्ट्रेस बॉडी पार्ट नेम वंस अगेन रिपीट करते हैं. H E A D, हेड. E Y E S, आईज. N O S E, नोज. H A stomach. K N E double E, जो दो बार ई लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? double E. This is knee. तो ये complete हो गया. हम stress the writing. Next is arise the question how many. मतलब ये हमारा क्वेश्चन है कि आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नंबर्स क्या क्या हैं, और जो बॉडी पार्ट्स यहाँ पे राइट है उसके नंबर्स आपको क्या कहते हैं, यहाँ राइट डाउन करना है. आई हैव हाउ मेनी हैंड? यू हैव? आई हैव टू हैंड. ओके, आई हैव टू हैंड. टी डब्ल्यू ओ, आई हैव टू हैंड्स. आई हैव हाउ मेनी आईज? वी हैव, कितने आईज है हम लोग के पास? टू. तो आई हैव टू आईज. ओके, हाउ मेनी ईयर्स वी हैव? आई हैव टू ईयर्स. है ना, दो कान है ना, एक और दो. ठीक है, टू ईयर्स. हाउ मेनी माउथ यू हैव? हाउ मेनी माउथ? आई हैव वन माउथ. ओ एन ई, वन. एम ओ यू टी एच, माउथ. हाउ मेनी नोज वी हैव? हाउ मेनी नोज वी हैव? आई हैव वन नोज. How many legs we have? One, two. I have two legs. How many fingers you have in hand? I have 10 fingers. Sorry, यहाँ पे 10 की spelling लिखेंगे. Okay. What is the spelling of 10? T E N. I have 10 fingers. The question is finished. ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि राइट द नेम, write the name of five
बॉडी पार्ट्स। क्या करना है? राइट द नेम ऑफ फाइव बॉडी पार्ट्स। तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, आंसर में हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अब हम लोग यूकेजी में गए तो हमसे क्वेश्चन भी अराइज किया गया, यानी प्रश्न भी पूछा जाएगा और प्रश्न वो लिखवाया भी जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को फाइव बॉडी पार्ट्स का नेम को राइट करना है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर लिख के ऐसे क्या लिखेंगे, द फाइव बॉडी पार्ट्स नेम इज। ठीक है, क्या क्या लिखोगे? इतना सब बताया अभी मैंने, आईज फर्स्ट, ईयर्स He is nose and four is tongue and five is nose, ear, mouth, mouth, mouth। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? नेक्स्ट, ड्रॉ द फिगर ऑफ आईज। ठीक है, तो आईज का फिगर बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप लोग, कैसे ड्रॉ करोगे? आंसर में ऐसे बनाना है आईज को, ऐसे गोल सर्कल करना है ऐसे। हाउ मैनी आईज वी हैव? आई हैव टू आईज। तो आपको आईज का फोटो ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अभी यूकेजी क्लास में अब आपसे अराइज किया जाएगा फीडबैक के लिए। जब आपका लेसन फिनिश होगा तो ये क्वेश्चन आंसर होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे आप ड्रॉ करके दिखाओगे। ये क्या लिखोगे, इसका लेवल करना है, तो आप क्या लिखोगे, आईज। ठीक है, आईज। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन थ्री आएगा तो क्या होगा, ड्रॉ द फिगर ऑफ नोज। तो नोज का फिगर कैसे बनाना है, तो ऐसे आप ऐसे लाइन खींच दो और यहाँ पे दो डॉट दे दो, नोज हो गया। या फिर आप कार्टून में कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, यूकेजी में अराइज करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हमने अराइज किया। ठीक है, यहाँ पे लेवल द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स गिवन इन द गिवन इन द फिगर। अब यहाँ पे आपको लेबल करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये फोटो बनाया, ये क्या बनाया, आईज है। ठीक है, ये आईब्रोज बना दिया,
ये आईज बनाया, आईब्रो ये क्या बनाया, नोज, ये आपका माउथ बना दिया, ठीक है, और ये आपका हेयर बनाया, हमने हेयर बनाया, ठीक है, ये हेयर बना लिया, और ये क्या है आपका नेक, फिर ये शोल्डर ऐसे, ठीक है। तो ये आपका मैंने गर्ल्स का फोटो बनाया है ऐसे। तो अब आपको लेबल करना, यहाँ पे हमने लेबल करने को दिया यहाँ पे, ठीक है, ये आईज हो गया, ये आईब्रो यहाँ पे, फिर ये आपका नोज है, लिप्स है, फिर ये क्या है, फोरहेड है, और यहाँ पे नेक। तो आपको लेबल करना है, तो आप कैसे करोगे लेबल, तो इसका बॉडी पार्ट्स आपको क्या करना है, पहले लर्न करना है बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स नेम क्या है, फिर उसको वो कहाँ पे एग्जिस्ट है, यानी कहाँ पे है बॉडी पार्ट्स, उसके बाद बॉडी पार्ट का नेम आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्पेलिंग को लर्न करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, हेयर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच ए आई आर, हेयर, ऐसे लेबल हो गया। नेक्स्ट में क्या हो, ये आईब्रो है, ठीक है, आईब्रो, ये आईब्रो, ओके। उसके बाद क्या है, आईज, ई वाई ई एस, आईज। नेक्स्ट में ये क्या है, नेक, एन ई सी के, नेक, और यहाँ पे नोज, एन ओ एस ई, नोज। ये क्या है, लिप, एल आई पी एस, लिप्स। हमने तो ईयर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया था, ईयर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हमने, ये क्या है, ईयर, तो ई ए आर एस, ईयर, ये फोर, एच ई ए डी, फोर है। तो ये लेबल हो गया, ठीक है, लेबल द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स गिवन इन द पिक्चर। आपको क्या करना है, बॉडी पार्ट्स का ऐसे ब्लैंक्स फोटो दिया रहेगा, आपको क्या करना है, उसको बॉडी पार्ट्स के नेम्स को राइट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमारा ये बॉडी पार्ट क्या हुआ, फिनिश, ठीक है। तो हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया, हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। आपको क्या होमवर्क है, आपको 5 बॉडी पार्ट्स को नेम को अपने कॉपी में राइट करना है, राइट डाउन योर 5 बॉडी पार्ट्स नेम इन योर कॉपी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, तो यूकेजी क्लास आपका होमवर्क क्या है, 5 बॉडी पार्ट का नेम्स आपको क्या करना है, राइट करना है इन कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट को आपको क्या करना है, आईज का क्या करना है, फोटोग्राफ बनाना है, ठीक है, आईज का फोटो बनाना है अपने कॉपी में। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना जो बॉडी पार्ट है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अमेजिंग सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव, हम लोग के पास कितने सेंस ऑर्गन्स है, उसके बारे में नेक्स्ट लेसन में रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय चिल्ड्रेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू, बाय।